Hey guys, welcome back to my channel. If you're a first time visitor, don't forget to like, share and subscribe to my channel Healthy Episode. आज हम बात करेंगे एक खास प्रोडक्ट के बारे में जो कि है सनस्क्रीन आयुर की तरफ से. नोट, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. चलिए फिर शुरुआत करते हैं. सबसे पहले सनस्क्रीन होता क्या है. सनस्क्रीन वो लोशन है जो आप यूज़ करते हो जब भी आप अगर धूप में काम कर रहे हो या बाहर जा रहे हो. अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया जो कि यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तब हाई चांसेस है कि आपकी स्किन टैन हो सकती है, जल सकती है, डल हो सकती है और ब्रेकआउट्स आ सकते हैं. इसलिए सनस्क्रीन बहुत ही ज़रूरी है. चलिए फिर बात करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में. अगर आप इसकी पैकेजिंग देखोगे तो ये एक प्लास्टिक ट्यूब फॉर्म में आता है. ये देख सकते हो ऐसे. ये थोड़ा सा मैसी हो सकता है ये एरिया में बिकॉज अगर आप इसे ऐसे खड़े रखोगे तो इट्स ऑब्वियस वो नीचे आएगा लिक्विड. लेकिन अगर आप इसे ऐसे रखोगे और एवरी यूज़ के बाद यू मेक श्योर दैट यू वाइप अप दिस एरिया, देन कोई इश्यूज़ भी नहीं है. ये बहुत ही स्टर्डी है. गिरने पर या फेंक देने पे ये लीक नहीं होगा, ना फटेगा ना टूटेगा. तो उस हिसाब से इसकी पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है. चलिए फिर बात करते हैं प्राइसिंग. ये बहुत ही अफोर्डेबल है गाइस. इट्स अराउंड 170 रुपीज़ फॉर 100 ml. अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में देखेंगे लाइक लैक्मे है, लोटस है, बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं. लाइक 280 से स्टार्टिंग रेंज रहता है, 350, 400, 450 तक. एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने वो सारे यूज़ किए हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ. प्राइसिंग के हिसाब से ये बहुत ही अफोर्डेबल है. लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगी, आई डोंट नो क्यों इसका प्रोडक्शन बहुत घट रहा है मार्केट में. उल्टा कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है तो इसका आई थिंक सेल्स ज़्यादा रहेगा बिकॉज मुझे हार्डली ये मेडिकल्स में या स्टोर्स में अवेलेबल होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इसे ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ. तो इसका ये प्राइसिंग था. फिर बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में. यहाँ पे मेंशन किया गया है किस चीज़ से बना है. इस पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं. अभी इसे लगाने का तरीका, जब भी आप धूप में बाहर जा रहे होंगे 20 मिनट पहले आपको इसे अप्लाई करना है उन सारे एरियाज पे जो एक्सपोज होने वाले हैं सन के लिए. देखिए, अगर आप इसे बहुत पहले लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं है. एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले लगाइए. इन स्मॉल डॉट्स एंड मसाज इट जेंटली ऑन योर फेस और हैंड्स और योर लेग्स, लेट इट एब्जॉर्ब. 20 मिनट के बाद आप चाहिए तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो इसके ऊपर एंड दैट्स ऑल, यू आर रेडी टू रॉक एंड रोल. अभी बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की. प्रोज, इसका सबसे बड़ा प्रो ये है कि जो ड्राई स्किन के लोग हैं और कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए ये परफेक्ट प्रोडक्ट है. ये ब्रेकआउट नहीं देता. मेरा खुद का कॉम्बिनेशन स्किन है और ड्राई स्किन विंटर्स में है तो मैं इसे ऑलमोस्ट अप्लाई करती हूँ 365 डेज अ ईयर. येस गाइज, मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगा फेस के ऊपर, ना मुझे स्वेट आया. तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है. ये था इसका प्रो. नंबर टू प्रो, आप इसे लगाओगे और दिन भर भी बाहर रहोगे तभी भी आपको कुछ और प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है. ये इतना स्ट्रांग है. ये 30 SPF का है जो बेटर है कंपैरेटिवली 40. बिकॉज अगर आप ज़्यादा SPF का लगाओगे तो आपका फेस डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मेंशन इन दीज टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन्स. तो ये था इसका प्रोस. अभी बात करते हैं कॉन्स के बारे में. अगर हम कॉन के बारे में बात करेंगे तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है ऑयली स्किन के लिए. जिसका भी ऑयली स्किन है प्लीज़ ये प्रोडक्ट से दूर रहिएगा बिकॉज ये ऑलरेडी ऑयली टेक्सचर में आता है. इसका फॉर्म ही ऑयली है तो हाई चांसेस है कि आपके फेस पे पिंपल्स आ जाए या ब्रेकआउट हो जाए. आपको इसे सिर्फ तभी लगाना है जब आप धूप में बाहर जाएंगे. और हाँ, इसका प्रो में और एक बताना भूल गई. जैसे कि जब आप इसे फेस पे लगाओगे इसका एक वाइट कास्ट फॉर्म नहीं होता है कंपेयर टू लोटस और लैक्मे. जब आप लोटस का लगाओगे या लैक्मे का लगाओगे आपके फेस पे एक वाइट लेयर प्रिपेयर हो जाएगा और वो समझ में आता है कि सनस्क्रीन लगाया है और वो अच्छा भी नहीं दिखता है. इसके ऊपर आप मेकअप नहीं लगा पाओगे. तो इसका और एक फ़ायदा ये है कि आयुर सनस्क्रीन के ऊपर आप अपना मेकअप नॉर्मल रेगुलरली कर सकते हैं. इसका और एक फ़ायदा ये है कि ये आपके फेस को ब्राइट बनाता है. यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लस फेयरनेस लिखा है. फेयरनेस का तो आई एम नॉट श्योर, कोई भी प्रोडक्ट फेयर नहीं कर सकती. ब्राइट कर सकती है, क्लियर कर सकती है, टैन फ्री कर सकती है. इसलिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये आपका स्किन टोन ब्राइट कर सकती है. मेरा खुद का हुआ है. जब भी मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है आई मेक श्योर टू यूज़ दिस प्रोडक्ट और मेरा फेस बिल्कुल पहले जैसा फिर दोबारा हो जाता है. तो ये था इसका और एक प्रो. अब बात करते हैं इसके फॉर्म की. आई नो ये थोड़ा मैसी हो गया, मैंने थोड़ा उल्टा रख दिया था, बट मैं हल्का सा एक ड्रॉप लूँगी. बस इतना सा काफ़ी है. आप देख सकते हो ये थोड़ा पतला है. इट्स नॉट लाइक रियल थिक. आई विल मसाज इट जेंटली इनटू माय स्किन. ये देखिए विद इन सेकेंड्स
इट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इनटू माय स्किन. इट्स रियल क्विक गाइस. ये देखिए, कोई वाइट कास्ट नहीं, कुछ नहीं, उल्टा जो लेफ्ट हैंड है मेरा वो थोड़ा शाइनी और ग्लोवी लग रहा है. यही डिफरेंस है आयुर का सनस्क्रीन का एज़ कम्पेयर टू लोटस और लैक्मे. जब आप कोई और सनस्क्रीन लगाओगे तो ये चीज़ नोटिस करना मत भूलिएगा, बिकॉज उसमें एक वाइट लेयर प्रोमिनेंटली दिख जाता है, इसमें नहीं दिखता है. इट्स रियली वेरी 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 लाइट ऑन द स्किन एंड इट गेट्स एब्जॉर्ब रियली फास्ट. इट्स अ बिगेस्ट थम्स अप फ्रॉम माई साइड. तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट आयुर की तरफ से सनस्क्रीन. अगर आपको ये स्टोर में नहीं मिल रहा होगा तो ऑनलाइन तो इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. अगर मुझे कोई लिंक्स मिलेगी तो आई ऑल्सो ऐड दोज लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हेल्दी एपिसोड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोज़. टिल देन स्टे ट्यून्ड.